जबलपुर कंट्रोल रूम स्थित एसपी अमित सिंह और कलेक्टर भरत यादव ने जवालीपुरम हिंदू महासभा के साथ 7 जनवरी को जबलपुर महाबंद किए जाने को लेकर अति आवश्यक बैठक की। आपको बता दें कि हाल ही में एनआरसी को लेकर हुई पत्थरबाजी और उपद्रव के बाद जहां 4 थाना क्षेत्रों में कर्फ्यू लगाया गया था, वहीं पुलिस ने मुस्तैदी से पत्थरबाजों को मजा चखाया था, तो वहीं राज्य सरकार ने उल्टा पुलिस वालों के ऊपर ही कार्यवाही करते हुए उनका स्थानांतरण करते हुए मुख्यालय भेज दिया गया, जिससे नाराज हिंदुवादी संगठनों ने एकत्रित होकर पुलिस फॉर जस्टिस के लिए जवालीपुरम हिंदू महासभा का निर्माण करते हुए 7 जनवरी मंगलवार को महाबंद का आह्वान किया है। वहीं इसी बंद के चलते कलेक्टर और एसपी सहित अन्य अधिकारियों द्वारा जवालीपुरम हिंदू महासभा के सदस्यों के साथ 7 जनवरी को बंद को लेकर बैठक की गई, जहां प्रशासन द्वारा हिंदू महासभा को जबलपुर बंद न करने की बात कही गई है, तो वहीं जवालीपुरम हिंदू महासभा के सभी सदस्य 7 जनवरी को बंद करने की बात पर अडिग है। उनका कहना है कि प्रशासन इसे दबाना चाहती है, लेकिन जवालीपुरम पुलिस फॉर जस्टिस और शहर की सुरक्षा के लिए पीछे नहीं हटेगा, चाहे प्रशासन कुछ भी कर ले जब तक उन पुलिस अधिकारियों के तबादले नहीं रोके जाते हैं। जवालीपुरम हिंदू महासभा के द्वारा जो 7 जनवरी को पुलिस के सम्मान में जबलपुर बंद का पत्थरबाजों के खिलाफ जबलपुर बंद का महाअभियान जो रखा गया है, उसके लिए आज एसपी और कलेक्टर महोदय ने आज यहाँ कंट्रोल रूम में बैठक बुलाई है। इसमें सभी जो जवालीपुरम हिंदू महासभा के सदस्य हैं वो सभी उपस्थित हैं, और अभी जो है बैठक में पूरी जो एक समन्वय बनाने का प्रयास किया जा रहा प्रशासन के द्वारा कि कोई अप्रिय घटना ना हो बंद के दौरान, तो हम लोग यहाँ सब बैठक में आए हैं। आज माननीय कलेक्टर महोदय और पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा 7 तारीख के बंद के लिए एक आवश्यक बैठक बुलाई गई है, और हम लोग पूरे समस्त जवालीपुरम हिंदू महासभा के सदस्य आज उपस्थित हुए हैं, और हमने पहले भी जैसे इसकी घोषणा की थी कि यह बंद यथावत रहेगा, और आज भी हम यही घोषणा करते हैं कि जबलपुर बंद 7 तारीख को यथावत रहेगा, चाहे कोई शक्ति किसी प्रकार की, कोई भी शासन प्रशासन किसी भी प्रकार की कोताही बरते या जबरदस्ती करे, हमारे आंदोलन को दबाने की कोशिश करे, लेकिन जबलपुर बंद होगा। रिपोर्ट, खबर मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश की लगातार खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाना न भूलें। मध्य प्रदेश के कई जिलों व तहसीलों में संवाददाता नियुक्त करना है, हमसे जुड़ने के लिए स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर संपर्क करें।